केन्द्र सरकारे शाळाओ खोलवा माटे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जाहिर कर दीधी छे। 15मी ऑक्टोबर थी राज्य सरकारे शाळा खोलवा अंगेनो निर्णय लई शकवानी मंजूरी केन्द्र सरकार पहलेथी ज आपी चुकी छे, त्यारे हवे शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाले स्कूलो माटे गाइडलाइन जाहिर करी छे। केन्द्र सरकारे जारी करी स्कूल माटे गाइडलाइन, तबक्कावार खोलवामां आवशे स्कूल। एसओपी प्रमाणे 2-3 सप्ताह कोई असेसमेंट नहीं। मेंटल हेल्थ इमोशनल सेफ्टी प्राथमिकता। भारत में कोरोना की संख्या में धीरे धीरे घटाड़ो नोंधाई रह्यो छे, तेम तेम अनलॉक 5 की गाइडलाइन प्रमाणे केन्द्रीय शिक्षण मंत्रालय पण स्कूलों माटे गाइडलाइन तैयार करी लीधी छे। केन्द्रनी गाइडलाइन अनुसार स्कूल और कोचिंग क्लास अंगे राज्य सरकार निर्णय लेशे, परंतु केन्द्र सरकार द्वारा तेनी खास गाइडलाइन तैयार करवामां आवी छे। एसओपी प्रमाणे 2-3 सप्ताह सुधी बाळकोनु कोई एसेसमेंट थशे नहीं। विद्यार्थियों मेंटल हेल्थ और इमोशनल सेफ्टी पर पण ध्यान आपवुं पड़शे। आ उपरांत केम्पस में इमरजन्सी केर टीम बनावी पड़शे। माता पिता की सहमति थी ज बाळकोने शाळाओं बोलावी शकशे। शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाले जणाव्यू कि सुरक्षा नी साथे शिक्षण पण जरूरी छे। अपनी सुरक्षा जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी है, हमारा भविष्य भी जरूरी है, हमारी सुरक्षा भी जरूरी है। इन दोनों का कैसे बेहतर आप तालमेल करेंगे, मुझे भरोसा है कि अध्यापक, अभिभावक और संबंधित राज्यों की गवर्नमेंट ये इनमें बेहतर तरीके से संस्थाओं और अभिभावक, बच्चों और गवर्नमेंट के बीच बेहतर तालमेल। शाला कैंपस ना तमाम एरिया ने फर्नीचर ने योग्य ने वारंवार साफ सफाई, स्टेशनरी स्टोरेज प्लेस, वाटर टैंक, किचन ने सतत डिसइन्फेक्ट करवामां आवे। शाला में इमरजेंसी केर सपोर्ट टीम अथवा रिस्पोन्स टीम नु पण निर्माण करवामां आवे। शाळा में दरेक स्थाने सोशल डिस्टेंसिंग तथा हेल्थ सेफ्टी साइन लगावाय। स्कूल नी गाइडलाइन नू माता पिता साथे कम्युनिकेट करवामां आवे। सिटिंग प्लान तैयार करती वखते सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग नू खास ध्यान। फंक्शन्स अने इवेंट्स नू न थाय आयोजन। तमाम विद्यार्थियोनी एक समय ज एंट्री एग्जाम न थाय। तमाम बाळको अने स्टाफ माटे मास्क फरजियात। बाळको ने माता पिता की लिखित मंजूरी बाद ज शाळा में प्रवेश। माता पिता न इच्छे तो बाळक ना घरे थी ज अभ्यास ने मंजूरी। तमाम क्लास माटे एकेडेमिक कैलेंडर में फेरफार करवामां आवे। शाळा ना बाळको अने शिक्षकों माटे नियमित हेल्थ चेकअप की व्यवस्था। बाळको, माता पिता अने शिक्षकों हेल्थ स्टेटस अंगे माहिती एकत्रित थाय। फ्लेक्सिबल अटेंडन्स अने सिक लीव पॉलिसी बनावी। इसको देखते हुए हम अपने स्कूलों को देखेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन जारी रहेगा और किसी बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल में न तो बुलाया जाएगा। हाँ, उनका पालन अभिभावक चाहेंगे कि बच्चों को स्कूल में जाना है और स्कूल में भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल का प्रबंधन की है। केन्द्रनी गाइडलाइन बाद हजु सुधी मोटा भागना राज्यों स्कूल खोलवा अंगे कोई निर्णय लीधो नथी, परंतु होम लर्निंग अने ऑनलाइन लर्निंग ने मंजूरी आपीने घणा माता पिता ने आ गाइडलाइन ने राहत आपी छे। ब्यूरो रिपोर्ट, मंतव्य न्यूज़।